यूक्रेन पर हमले के 10वें दिन राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा रूस पर बैन लगाना युद्ध की घोषणा करने जैसा है। राष्ट्रपति पुतिन बोले यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहता था रूस, लेकिन यूक्रेन ने शांति से बात नहीं की। रूस का दावा, यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। पुतिन की चेतावनी, यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लगाने की मांग करने वाले देशों की विवाद में एंट्री मानी जाएगी। रूस के रक्षा मंत्री लावरोव का ज़ेलेंस्की पर बड़ा आरोप, कहा रूस और नेटो के बीच जंग कराना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। युद्ध में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन के दो शहरों में था 6 घंटे का सीज फायर। मारियुपोल से ज़ेपोरोशिया और वोलनवाखा से बना था मानवीय कॉरिडोर, रूस पर लगा सीज फायर तोड़ने का आरोप। सीज फायर के दौरान यूक्रेन के मारियुपोल में 440,000 और वोलनवाखा में करीब 21,000 लोगों को निकालने का प्लान था। कीव के पास सीज फायर के दौरान सेफ पैसेज से निकलते दिखे लोग, लंबी कतार भी नजर आई। यूक्रेन की सांसद ने रूस पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया, कहा मारियुपोल में सेफ पैसेज के बीच रूसी सेना ने हमला किया। सीज फायर का उल्लंघन करने पर मारियुपोल में रोका गया रेस्क्यू, यूक्रेन का आरोप रूस ने बंद नहीं की गोलीबारी। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक खार्किव से सारे भारतीय निकाले गए, सबको सुरक्षित लाया गया। विदेश मंत्रालय ने सुमी से भारतीयों को निकलने को बताया चुनौती, कहा सुमी में हिंसा जारी, ट्रांसपोर्टेशन की भी कमी। भारत सरकार के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत 63 उड़ानों के जरिए अब तक 13,300 भारतीयों को लाया गया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर भारत सरकार भी चिंतित, सभी छात्रों से सुरक्षित जगह पर रहने को कहा गया। एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक रविवार को 11 उड़ानें 2,200 भारतीयों को लेकर आएंगी। विशेषण से सभी भारतीय छात्र निकाले गए, भारतीयों को लेने गई 3 बसें। भारत ने रूस के राजदूत का बयान, भारतीयों को निकालने के लिए हमने सेना के स्पेशल ग्रुप बनाए हैं, 100 से ज्यादा तैयार बसेस भी हैं। कीव को रूसी सेना ने चारों तरफ से घेरा, कीव के बॉर्डर पर रूसी टैंक भी पहुंचे। कीव के नजदीक एक गांव पर रूसी सेना ने बम गिराए, एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हुई। कीव के एक इलाके में रूसी सेना ने मिसाइल्स भी दागी, निजी आवासों को निशाना बनाया। युद्ध की वजह से कीव में हजारों घरों में गैस की सप्लाई बंद हुई, नुकसान की वजह से 16 गैस सप्लाई स्टेशन बंद करने पड़े। कीव के करीब इरपिन ब्रिज पूरी तरह से तबाह हुआ, रूसी हवाई हमले में ध्वस्त हुआ पुल, तस्वीरें सामने आई। इरपिन शहर में एयर स्ट्राइक, सड़क पर खड़ी कार के ठीक सामने ब्लास्ट। इरपिन में रूसी सेना ने रेलवे लाइन भी उड़ा दी, यूक्रेन का आरोप इवैक्यूएशन रोकने के लिए रेलवे लाइन को उड़ाया गया। इरपिन में रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, घरों पर मिसाइल्स गिरती नजर आई। खार्किव में यूक्रेन की सेना का काउंटर अटैक, यूक्रेनी सेना का रशियन आर्मी पर जबरदस्त हमला। यूक्रेन के ओब्लास्ट में रूसी सेना का रॉकेट से हमला, कई मकान तबाह। चिन्हीव में भी धमाके के बाद आग का धुआं उठता दिखा, बमों की आवाज से पूरा इलाका थर्राया। चिन्हीव में यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया, यूक्रेन ने दोनों पायलट्स को पकड़ा। चिन्हीव ओब्लास्ट इलाके में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है, चिन्हीव इलाके में ही रूस ने यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया है। बुशा में कार सवारों पर रूसी सैनिकों ने गोलियां बरसाई, हमले में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। कुर्स्क रीजन में हथियार डिपो पर रूसी सेना का हमला, सैन्य डिपो को तबाह किया। लुहांस पर रूस के कब्जे के बावजूद लड़ाई जारी, मिसाइल अटैक की हैरान करने वाली तस्वीरें आई। विश्व में भी रूसी फौज ने तबाही मचाई, हमले में पूरे इलाके को तहस नहस किया। यूक्रेन के एनहोदर शहर में भी घुसी रूसी सेना, हर तरफ नजर आए रूसी सेना के टैंक। हेरसोन में रूसी काफिले को रोकने के लिए सड़क पर सिविलियंस लेट गए, रूसी सेना से झड़प भी हुई। यूक्रेन के मल्टीपोल में झड़प का नया वीडियो आया, हथियारबंद सैनिकों से भिड़ गए सिविलियंस। रूसी सैनिकों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, तस्वीरों में लोग रूसी फौज का खाना सड़क पर नष्ट करते नजर आए। मारियुपोल के शॉपिंग सेंटर में रूसी सैनिकों ने जमकर लूटपाट मचाई, सारे दुकानें लूट ली। यूक्रेन में पहली बार रूसी सेना का मीडिया पर हमला हुआ, ब्रिटिश मीडिया ग्रुप की टीम पर फायरिंग की गई, एक मेंबर घायल हुआ। ब्रिटिश मीडिया ग्रुप की टीम पर हमले को लेकर पीएम बोरिस जॉनसन ने चिंता जताई, कहा हमले से नहीं डरेंगे पत्रकार। रूस पर जर्मनी के चैनल्स की कार्रवाई, एआरडी और ZDF चैनल ने रूस से रिपोर्टिंग बंद की। यूक्रेन पर रूसी मीडिया का बड़ा दावा, यूक्रेन ने अपने ही नेगोशिएटर की हत्या करवाई। रूस यूक्रेन में मध्यस्थता करा रहे थे डेनिस की रीफ पर रूस को जानकारी देने का आरोप लगा था। यूक्रेनी सेना के एक कैप्टन को रूस ने मार गिराया, 3 मार्च के उनके जन्मदिन के दिन ही होस्टमेल में मारा गया। रूसी मीडिया का दावा, मेरिपोल पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने सटीक निशाने वाले हथियार भेजे। यूक्रेन ने रूस के 3 और सुखोई 25 लड़ाकू विमानों को मार गिराया, चिन्हीव में 2 और डोनेट्स्क में 1 फाइटर प्लेन को गिराया। कीव के पास यूक्रेनी सेना ने रूस के हेलीकॉप्टर को बनाया निशाना, हमले के बाद हेलीकॉप्टर में लगी आग। युद्ध में रूस के 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 39 फाइटर जेट तबाह, यूक्रेन की सेना का दावा। यूक्रेन ने रूस के 40 हेलीकॉप्टर, 269 टैंक तबाह किए, 18 एंटी एयरक्राफ्ट गन तबाह करने की भी बात कही गई। यूक्रेन के मरीन कॉर्प्स का दावा, माइकोलाइवो में भी रूसी सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा 10 दिन में रूसी सेना ने यूक्रेन पर दागे 500 से ज्यादा मिसाइल।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया। रूस के K-52 हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन बख्तरबंद वाहनों को किया तबाह। युद्ध में रूस ने भी भारी नुकसान की बात कबूली। रूस की एक सेनेटर का बयान, सैकड़ों सैनिकों की एक टुकड़ी से सिर्फ 4 जिंदा बचे। युद्ध में हो रहे नुकसान के बाद रूसी सेना सतर्क, पूरी तरह एक्टिव रडार सिस्टम के साथ जाता दिखा मिसाइल सिस्टम। रूसी मीडिया एजेंसी का दावा, यूक्रेन के नेशनल गार्ड्स ने मारियोपोल में इमारत उड़ाई, बिल्डिंग में 200 लोग छिपे हुए थे। जर्मनी में रूस और बेलारूस के लोगों से भेदभाव का मामला, रूसी एम्बेसी ने जर्मनी सरकार से भेदभाव रोकने की मांग की। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के विदेशी हथियारों के डिपो को भी किया नष्ट। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो, कहा रूसी प्रोपेगेंडा में ना फंसे लोग, मैं यूक्रेन में ही हूं और आखिरी दम तक लड़ूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, हम जल्द ही अपने लोगों से वापस लौटने को भी कहेंगे क्योंकि कोई खतरा नहीं होगा। यूक्रेनियन को शरण देने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड का शुक्रिया अदा किया, कहा अब हमारे बीच कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी की बात, सैन्य और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया। रूस के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेने के लिए 66,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक विदेश से अपने वतन लौटे, यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दी जानकारी। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने हमले में घायल लोगों की तस्वीरें शेयर की, लिखा पुतिन को रोकने के लिए हमारी मदद करें। विदेश मंत्री ने कहा रूसी जहाजों के लिए सभी यूरोपीय बंदरगाहों को बंद कराया जाए, अब कार्रवाई का समय आया। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको की पश्चिमी देशों से मांग, रूस से युद्ध के लिए हथियार मुहैया कराएं। यूक्रेनी सांसद लेसिया वोज़लेंको ने राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साधा, कहा स्टालिन और हिटलर को एक साथ रखना चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन की सांसद लेसिया ने कहा 4 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में खून बहाना नरसंहार जैसा। यूक्रेन और नेटो के एक काउंसिल ने जारी किया साझा बयान, कहा रूस पूरे विश्व में आतंक फैला रहा है। यूक्रेन और नेटो के काउंसिल ने रूस से तुरंत हमले रोकने की मांग की, कहा परमाणु संयंत्रों पर सैन्य कार्रवाई रोके रूसी सैनिक। ईरान परमाणु समझौते का समर्थन करने से पहले रूस ने अमेरिका से लिखित गारंटी मांगी, प्रतिबंधों से रूस के आर्थिक हित से नुकसान नहीं पहुंचाएगा अमेरिका। रूस के विदेश मंत्रालय का बयान, युद्ध में यूक्रेन को ब्रिटेन द्वारा हथियारों की सप्लाई को रूस कभी नहीं भूलेगा। पश्चिमी देशों पर रूस का बहुत बड़ा आरोप, कहा डेनमार्क पोलैंड के नागरिक यूक्रेन की ओर से लड़ रहे हैं। यूक्रेन ने जर्मनी से हथियार मांगे, कहा टैंक पनडुब्बी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर दें। जर्मन रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा हथियारों का शिपमेंट तैयार। रूस और बेलारूस पर यूरोपियन यूनियन की कार्रवाई, काउंसिल ऑफ बाल्टिक सी स्टेट से सस्पेंड किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान, रूसी व्यापारियों पर अभी और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन एकजुट। अमेरिका से अपने राजनयिक को वापस बुलाएगा रूस, स्पेशल विमान से राजनयिक लौटेंगे। रूसी सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का बयान, रूस से तेलों के व्यापार पर प्रतिबंध से ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर असर पड़ेगा। रूस ने पश्चिमी देशों से व्यवहार पर आपत्ति जताई, कहा वो डाकुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। युद्ध को लेकर फेक न्यूज फैलाने पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन सख्त हुए, फेसबुक ट्विटर पर रोक लगाई, गलत खबर फैलाने पर जेल होगी। फेक न्यूज को लेकर बनाए कठोर कानून का रूस ने बचाव किया, कहा रूस इन्फॉर्मेशन वॉर के दौर से गुजर रहा है। रूस के कदम के खिलाफ कई पश्चिमी मीडिया ने रूस में रोका अपना कामकाज, सीएनएन ने प्रसारण रोका, बीबीसी और ब्लूमबर्ग ने भी ऑपरेशन रोके। फॉर्मूला वन टीम हास ने रूसी ड्राइवर निकिता माज़ेपिन को हटाया, प्रायोजक उराखली से अनुबंध तोड़ा। अमेरिका के एक कंप्यूटर गेम डेवलपर ने रूस में अपना बिजनेस किया बंद, कहा अपनी गेम की बिक्री को रोका। ज़ारा फैशन कंपनी का ऐलान, रूस में 502 स्टोर्स को अस्थायी रूप से बंद किया। इटली में रूसी व्यापारी एलिशे उस्मानोव और मीडिया पर्सनालिटी व्लादिमिर स्लोवियेव की संपत्ति को जब्त किया गया, ईयू सैंक्शन की वजह से कार्रवाई। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने अपनी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी से रूस से जुड़े समाचार हटाने से किया इनकार, कहा मजबूर किए जाने तक नहीं उठाऊंगा कदम। रूसी एयरलाइंस एरोफ्लोट को सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोकने का फैसला, 8 मार्च से लागू होंगे नियम। यूक्रेन संकट पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, भारतीयों की वापसी की तैयारी पर जनवरी से ही काम करना शुरू कर दिया था। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में रूसी भाषा जानने वाले अधिकारियों को भेजा गया था, फरवरी में एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। रोमानिया और मालदोवा से पिछले 7 दिन में 6,222 भारतीयों को निकाला गया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। पोलैंड और बुदापेस्ट में भारतीयों की मदद कर रहा है श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग, करीब 4,000 छात्रों के रुकने का किया इंतजाम। रोमानिया बॉर्डर पर फंसे एक छात्र ने अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाया, बाकी भारतीयों के साथ केक काटा। इस सप्ताह के अंत तक यूक्रेन छोड़ने वालों की संख्या बढ़कर 15 लाख हो सकती है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का बयान।
यूक्रेन में जंग के बाद अब तक 12 लाख लोगों ने देश छोड़ा, संयुक्त राष्ट्र ने आंकड़ा जारी किया। युद्ध की वजह से लोगों का यूक्रेन छोड़ना जारी, भारी संख्या में बॉर्डर्स क्रॉस कर पोलैंड जाते दिखे लोग। यूक्रेन की राजधानी कीव से ट्रेन सेवा जारी, सैकड़ों महिलाओं और बच्चों को लेकर बाहर जा रही हैं ट्रेन। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ टोक्यो में सड़क पर लोग उतरे, रूस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।